दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्ये गमानाय नमः शान्ताय तेजसे यैवादौ सृष्टा नरजगति सभ्यत्वसरणिः यदीयं साम्राज्यं क्वचन समये प्राज्यमभवत् यतो मूसम्भूता जगदुदरसूता नरगिरो गिरासौ गैर्वाणी तेति गुरवाणी परिगृढा यया लोके वेदा परिकलित भेदा प्रकटिता। मेरा ये हमेशा आग्रह रहता है, संस्कृत वाले बैठे हैं तो देवताओं का तो मंगलाचरण होता ही है, या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या पुष्पावता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष जाड्या वहा। तो देवताओं का, सरस्वती गणेश जी के मंगलाचरण के साथ अगर संस्कृत विद्वान बैठे तो संस्कृत का मंगलाचरण होना चाहिए। तो इसीलिए और जिस धरती में बैठे हैं उसकी स्तुति के बिना काय का मंगलाचरण भारत का। तो इसलिए हमेशा हिमगिरि धवल कीटा गंगा यमुनोत्तरीय कृत शोभा दक्षिण जलधिक्षालित चरणा भारत वसुंधरा जयति। ये भारत का मंगलाचरण मैं हमेशा शुरू करता हूँ। होता यही है, मैंने कई बार कहा कि मंगलाचरणों में देवताओं की स्तुति तो करनी ही चाहिए, किंतु जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत जगत में संस्कृत पंडित, तो संस्कृत भाषा की स्तुति नहीं है क्या उनका साहब? वो उपलब्ध ही नहीं है, बहुत कम है उपलब्ध नहीं है। भारत की स्तुति कम उपलब्ध है, जैसे ये अपना जनगणमन है, इसके बारे में तो मालूम है आपको, काफी बड़ा विवाद हुआ था कि जनगणमन किसके लिए लिखा गया, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा। एक बहुत बड़ा विवाद ये हुआ था कि जनगणमन अधिनायक जय हे पंचम जार्ज के लिए लिखा गया, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। इस पर बहुत दिनों तक चला कि ये रविन्द्रनाथ ठाकुर से कहा था कि पंचम जार्ज आ रहे हैं उनके लिए लिखिए, तो उनके लिए लिखा गया ये जनगणमन अधिनायक थे वो। उनका नहीं भैया, ये हमने लिखा है, ये वो परमेश्वर जो परमात्मा सब सारे पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल सबको करता है और भारत भू का जो स्वामी है उसके लिए लिखा है, जैसे आप पंचम जाट का कह रहे हो। तो इस तरह से बहुत कम स्तुतियां हैं जो इस धरती के लिए हैं, भारत धरित्री के लिए हैं, तो वो मंगलाचरण होना चाहिए। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि पीठ का काम नियमित रूप से शुरू हो रहा है। ज्ञानेश्वर जी महाराज को बधाइयाँ देना चाहता था बहुत पहले से कि इस प्रकार का क्रम शुरू करना और आप जैसे विद्वानों को समवेत करके बहुत बड़ी बात है। तो मूलतः रविवारों को चर्चा होती है विद्वत चर्चा और व्याख्यान, ये अब तक तो होते रहे। ज्योतिष धर्मशास्त्र क्योंकि ये विषय है महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ज्योतिष की जानकारी कम है और जो है वो भी बहुत गलत है। तो मैं हर बार ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हुए कहता ही रहता हूँ कि कई आधुनिक लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं कि आप तो ज्योतिष को बिल्कुल गलत बता रहे हैं, आप ये कहते हैं कि सूर्य घूमता है और सूर्य के सारणी सूर्य की सारणी बता रहे हैं, सूर्य तो घूमता ही नहीं पृथ्वी घूमती है, फिर आप सारी ज्योतिष आपका तो गलत। तो इसलिए ज्योतिष को समझाने के लिए भी व्याख्यान होने चाहिए जो हो रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता रहा और धन्यवाद देता रहा। सारे विद्वान आपके जुड़े हुए हैं, महंत जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी हैं, रामदेव जी साहु हैं, योगेश जी हैं, सारे लोग हैं। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। ज्ञानेश्वर जी महाराज से मैंने कहा कि किस विषय पर चर्चा ज़्यादा होना आवश्यक है, पर ज्योतिष है, धर्मशास्त्र है, शास्त्र है, पुराण है, ये तो सब अनंत जी और इनके विषय हैं। मेरा विषय ये भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अध्ययन मैंने सबका किया है, किंतु अधिकतर मेरा विषय रहा है भाषा शुद्धि और साहित्य। तो इसीलिए आपने जो पीठ बनाया है वो भाषा का से संबंधित है पीठ, और भाषा में बहुत बड़ी गलतियां इन दिनों में हो रही हैं। भाषा तीन भाषाएं सबसे ज़्यादा चल रही हैं इन दिनों में। अंग्रेजी तो खूब दुनिया भर में चली रही है, तो उसका तो हमें कुछ नहीं करना है। मैं उसका भी रहा, मैं अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में रिटायर हुआ और संस्कृत जीवन भर पढ़ी, और संस्कृत और अंग्रेजी दोनों जो पढ़ा हुआ हो होता है उसके लिए कहा गया कि वो जो शब्दावली बन रही है
जो अंग्रेजी में चल रहा था, तो सारा काम प्रशासन अंग्रेजी में चल रहा था, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इनके बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड के लिए क्या शब्द बनाएगा। पुलिस कस्टोडी में भेज दिया गया, तो कस्टोडी के लिए कोई शब्द तो बना होगा। तो वो जो शब्द बनने वाली समिति बनी, उसमें ऐसे लोगों की तलाश रही जो संस्कृत के हैं और अंग्रेजी जानते हैं, तो मुझे उसमें बुला लिया। तो मैंने लगभग 40-50 वर्ष उसमें काम किया, तो इसलिए कस्टोडी को बनाया अभिरक्षा, और रक्षा से खूब शब्द बनते हैं। रक्षा, प्रोटेक्शन अलग है, प्रिजर्वेशन अलग है, तो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, सुरक्षा अलग होती है, और डिफेंस है वो प्रतिरक्षा, रक्षा, सुरक्षा, परिरक्षण, परिरक्षा, संरक्षण, ये सब कंजर्वेशन, हर एक के लिए अंग्रेजी में जितने शब्द हैं उन सब के लिए हिंदी में शब्द आवश्यक थे। तो वो काम किया जीवन भर। तो मैंने पूछा कि कौन क्या विषय रखें, तो उनका जैसे इन दिनों में जो विषय है भाषा का वो भी रख सकते हैं सामान्य रूप से भाषा का, तो उसमें उस विषय में भी चर्चा अगर रुचि है तो वो की जा सकती है। क्योंकि इन दिनों में मेरी पीड़ा ये हमेशा रही है कि भाषा का जिस बुरी तरह से विकृतिकरण हो रहा है इन दिनों में, वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। जैसे ज्योतिष की बात की जाए तो ज्योतिष के अधिकांश विद्वानों के नाम गलत लिए जा रहे हैं, लोगों को नहीं मालूम और फैल रहे हैं, वो उनको शुद्ध करना जरूरी है। भारतवर्ष के पुराने संतों के नाम गलत हो रहे हैं, आधुनिक लोगों के नाम गलत हो रहे हैं, और लिपि से गलत छप रहा है। तो यहाँ वो काला तो नहीं है, नहीं तुम बता था आपको किस रूप किस तरह से लिपि भी बहुत बुरी तरह गलत लिखी जा रही है, देवनागरी लिपि, इन सब की जानकारी बहुत कम है, तो ये भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे ज्योतिष में ज्यादातर ज्योतिष के 3-4 सबसे बड़े आचार्य अपने जो हुए थे उनमें से आर्यभट्ट और वराह मिहिर, नाम सुना होगा आपने। तो आर्यभट्ट का नाम 99% लोग गलत लेते हैं, आर्यभट्ट, बाण भट्ट, भोजन भट्ट की तरह से आर्यभट्ट, तो वो आर्यभट्ट थे क्या? खूब सब जगह छपरा, ज्यादातर 99% अखबारों में आर्यभट्ट, वो आर्यभट्ट थे ही नहीं बेचारे, वो तो रोए कि मैं आर्यभट्ट था क्या। वो आर्यभट्ट एक टह है वो, और भगवान की कृपा से ये इन दिनों में जहां भी कहीं आ रहा है सब जगह आर्यभट्ट आ रहा है। लेकिन आर्यभट्ट के नाम पर सैटेलाइट जो छोड़ा, उपग्रह, उपग्रह को आजकल जितने लोग हैं उपग्रह, वो बहुत गलत उच्चारण है, इसलिए मैं परेशान हो गया उच्चारण को सही करते करते और लिपि को सही करते करते, नामों को सही करते करते। तो सबसे पहले उपग्रह जो छोड़ा भारत सरकार ने वो आर्यभट्ट के नाम पर था, क्योंकि आर्यभट्ट सबसे बड़ा खगोल शास्त्री था, वराहमिहिर भी था, पर वराहमिहिर ने ज्योतिष के तीनों अंगों पर काम किया, सिद्धांत, संहिता और होरा, तीनों पर काम किया। लेकिन आर्यभट्ट सिद्धांत का था, खगोल का सबसे बड़ा विद्वान था, इसलिए उसके नाम पर उपग्रह छोड़ा गया। वो तो भगवान की कृपा से आर्यभट्ट है, बिल्कुल सही है वो, लेकिन उसको आजकल हर व्यक्ति आर्यभट्ट लिख रहा है, तो ये तो बहुत जरूरी है सही करना है। इसीलिए कि साहब वो भट्ट क्या होता है, भट्टी होगा बाण भट्ट की तरह। तो ये इस प्रकार के शब्दों से मैं बहुत परेशान रहा। एक तो हिंदी जो गलत लिखी जा रही है, हिंदी की लिपि ही गलत लिख रहे हैं, वो लगभग 20-25 साल से गालियां दे रहा हूँ, कोई असर नहीं हो रहा। देखिए आप आश्चर्य की बात है, सबसे बड़े अखबार यहाँ दो हिंदी के दैनिक अखबार आते हैं, उनमें अंग्रेजी के शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं, होते हैं कि सब जगह अपने हो ही रहा है। वाइस चांसलर ने कहा इंडिपेंडेंस, और प्लस पत्रिका प्लस संडे, ये सब हिंदी में देवनागरी में लिखा जा रहा है। उसमें जैसे खेल कूद वाला जो कॉलम है उसको लिखते हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स लिखा जा रहा है, वो स्पोर्ट्स लिख स्पोर्ट्स ही नहीं है, वो स्पोर्टर्स, स्पोर्टर्स और आर्ट्स को आर्टर्स। तो मैं खूब गालियां हर बार देखता हूँ 20-25 साल से बराबर मीडिया के पत्रिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जब जब बुलाया जाता रहा हूँ खूब गालियां देता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, आर्ट्स को आर्टर्स छाप रहे हैं, स्पोर्ट्स को स्पोर्टर्स मोटे अक्षरों में। आज भी आप देख लीजिए सबसे बड़े दो अखबार हैं, जयपुर में दैनिक नाम नहीं लेना चाहता आप जानते हैं, दोनों में जो खेल वाला कूद का कॉलम है उसमें स्पोर्टर्स आर्टर्स साफ लिखा है। खूब गालियां दी मैंने, तो वो एक बार तो उनका जो अखबार है उसके मालिक भोपाल में रहते हैं,
उनके सामने जब गाली आई तो वहां भोपाल में जाके उन्होंने डांटा, फिर वहां से मुझे फोन किया, जी आपने वो डांटा तो सॉरी लेकिन क्या करें, ये हमारे टे हलंत जो है उसके ऊपर रे उस फॉन्ट में नहीं है जिस फॉन्ट में हम छापते हैं। मैंने कहा ये कोई बात नहीं है तो उसको करवा लीजिए, फिर किसी का नहीं आ गया, हर प्रकार के बहुत अच्छे फॉन्ट्स हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स ही लिखना नहीं मिले, स्पोर्टर्स लिखे और उसको स्पोर्ट्स बांटने की मजबूरी हो, तो उनका साहब ये सिखाया नहीं हमको, ये बहुत आवश्यक है। ये गलती अंग्रेजी की हिंदी में लाने की गलती तो बहुत बुरी तरह से हो रही है। जैसे ज्यादातर तो क्योंकि रोमन लिपि में लिखते हैं और उसका हिंदी देवनागरी में करते हैं, तो रोमन लिपि में तो अक्षर बहुत कम है ना, लिपियों के अक्षर तो पता नहीं आप लोगों को क्या होंगे, ये भी मैं कई बार बताता हूँ कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ कितने अक्षर हैं, देवनागरी में कितने अक्षर हैं नहीं मालूम, कितने वर्ण हैं ये तो मालूम है, लेकिन वो भी वर्ण और अक्षर का भेद ही नहीं मालूम, ज्यादातर को भेद नहीं मालूम, वो समझाने में बहुत देर लगती है। हमारी वर्णमाला देवनागरी की सबसे ज्यादा बड़ी वर्णमाला है, वर्णमाला अंग्रेजी की तो जानते हैं, अंग्रेजी के कितने अक्षर हैं तो सब आप जानते हैं, यानी रोमन लिपि अंग्रेजी की उसमें 26 अक्षर हैं, ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक। सबसे सबसे छोटी वर्णमाला दुनिया की मालूम है कौन सी है? सबसे कम वर्ण जिसमें है, यानी ये माना जाता था पहले कि ज्यादा वर्ण होने की कोई जरूरत नहीं है, आप भय लिखना है तो बी और एफ दो लिख दो, अपने यहां तो हर चीज के एक एक हर चीज का एक वर्ण है। देवनागरी में ये फायदा है क्योंकि देवनागरी में वर्ण और अक्षर बहुत ज्यादा है, रोमन में कुल 26 हैं, तो अब उसमें भय लिखना हो तो कैसे करेंगे, ख लिखना हो तो के एच, भय लिखना हो तो बी एच, दो मिलकर के लिखेंगे, इसलिए करना पड़ता है। तो उनका इसी का बात है, कैसे भी किसी तरह से भी लिख दो आपको उच्चारण से कोई मतलब नहीं। तो सबसे छोटी वर्णमाला मालूम नहीं कौन सी आपकी, सबसे छोटी दुनिया की वर्णमाला जिसमें बाइबिल लिखा गया, जिनके जो ईसा मसीह का हमने दो दिन पहले पूजन किया था, बाइबिल जिसमें लिखा गया वो कौन सी भाषा है मालूम है? ये नहीं मालूम तो ये होना ध्यान होना चाहिए, हिब्रू, हिब्रू भाषा में बाइबिल का पहला टेस्टामेंट लिखा गया, ओल्ड टेस्टामेंट, वो हिब्रू में लिखा गया, दूसरा ग्रीक में लिखा गया, अंग्रेजी में तो बहुत बाद में अनुवाद हुआ। तो हिब्रू की लिपि सबसे कम है, हिब्रू में 22 अक्षर केवल, और हिब्रू बहुत पुरानी बहुत बढ़िया भाषा है, क्या बड़ी बात है, उससे ज्यादा फिर ग्रीक है, ग्रीक में लिखा गया, ग्रीक भी बहुत बहुत बढ़िया, यूनान सारा सारा विज्ञान पहले ग्रीक में पैदा हुआ, ग्रीस ग्रीक भाषा में लिखा गया, उसके बाद अंग्रेजी में, अंग्रेजी तो बहुत बाद में आई, अंग्रेजी तो सबसे नई भाषा है, उसके पहले हिब्रू और ग्रीक थी, ग्रीक में केवल 24 अक्षर 24 लेटर्स, तो ग्रीक वाले हंसी भी उड़ाते हैं कि अंग्रेजी में 26 की जरूरत ही नहीं है, 24 पर्याप्त है, क्योंकि आपके यहाँ दो अक्षर जबरदस्ती हमारे जोड़े गए, हमारे उसमें दो अक्षर जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपके, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो एक ही अक्षर के लिए अंग्रेजी में दो वर्ण है, मालूम है आपको कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये तो सब पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ तक तो ठीक है, और वी और डब्ल्यू, वी के लिए वी काय के लिए आता है, वे के लिए वासुदेव वी, और डब्ल्यू भी वासुदेव की भी दो की क्या जरूरत है, तो हंसी उड़ाते हैं कि वी और डब्ल्यू बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी, ग्रीक ग्रीक में नहीं है दो, एक ही है। और डब्ल्यू का मालूम है आपको डब्ल्यू कैसे बना, डब्ल्यू का मतलब क्या है, डबल वी, वी को दो बार लिखने से डब्ल्यू बनता है, और डबल वी नाम ही उसका डबल वी से डब्ल्यू बना, डबल वी डबल वी डबल वी डबल वी डब्ल्यू, तब वो हंसी उड़ाते हैं कि 24 इज एनफ, 24 वर्ण ही पर्याप्त है, जबरदस्ती डब्ल्यू जोड़ा, एक एक्स जोड़ा, के एस भी सही, क्षत्रिय लिखना हो तो के एस से क्षत्रिय लिख दो, एक्स लिख दो, दो क्या है, क्या जरूरत है, जबरदस्ती जोड़ा जाए दो, तो 26 बेकार है, 24 ही पर्याप्त, और हिब्रू वाले कहते हैं 22 ही पर्याप्त है, हमारे यहाँ जो थे तो सबसे कम 22, फिर ग्रीक में 24, रोमन में 26 और अरेबिक में 28, दो और जोड़े, उसके बाद रशियन में, रूसी में 32, ये होना चाहिए, ये कई बहुत कम जगह मिलते हैं, गूगल में भी ढंग से नहीं मिला ये कि कितने लिपियों के वर्ण कितने हैं, बस वहां खत्म हो जाते हैं 32 से ज्यादा। और संस्कृत में कितने वर्ण हैं,
तो 64 से शुरू होता है, त्रिषष्टिर्वा चतुष्षष्टिर्वर्णा शंभु मसे मता। तो संस्कृत में सबसे कम वर्ण जो है, कम से कम तो 63-64 है, और वैदिक भाषा में 189 189 वैदिक भाषा में 189 वर्ण है, तभी हरेक में शुद्ध होता है वो, जो जो भी उच्चारण में लोग करते हैं उसमें दीर्घ स्वरित उच्चारण भी करते हैं, क्या है वो, सहनावतु सहनवभुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो है तो भी जो करते हैं तो वो उसमें है के 3-4 उच्चारण है, उदात अनुदात स्वरित कई तरह के उच्चारण है। तो वेद में वेद की वर्णमाला 189 अक्षरों की सबसे ज्यादा हुआ, तो इस पर ये होना चाहिए कि इसमें मसूदन हो जाए। जो सुरेंद्र जी जिनकी किताबों को हमेशा उद्धृत करते रहते हैं, उन्होंने बेचारों ने इसके लिए किताब ली थी, उनका लोगों को जानकारी नहीं आज कि लिपि में हमारी लिपि में कितने वर्ण हैं, और वर्ण और अक्षर में क्या भेद है यही नहीं मालूम। तो हमारी वर्णमाला तो संस्कृत की वर्णमाला में तो 63 या 64, वो भी हास्यास्पद, तो मैं इसकी हंसी उड़ाता हूँ कि 63 या 64 से क्या मतलब, ये बताओ ना, या तो 63 है या 64 है। मेरे पिताजी का नाम या तो मोहनलाल है या मदनलाल है, तो भाई एक बोलो ये क्या कहते हो आप। तो ये पाणिनि ने लिखा है 63वा चतुष्षष्टिर्वर्णा शंभु मते मता, तो 63 है या 64 है इनमें से एक ही बताओ। तो हम तो 63 ही बताते हैं, 64वा वर्ण आता ही नहीं है, ली दीर्घ ली आता ही नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वेद में आता था। तो 63 संस्कृत की शुरुआत ही 63 से होती है, हिंदी में कितने ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये भी कई बार करना पड़ रहा है, आजकल बताना पड़ता है। तो वर्ण क्रम की शुरुआत के लिए हिंदी में भी लोग बाबा को ध्यान नहीं है कि हिंदी की वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, वर्ण जैसे अनुस्वार है वो वर्ण थोड़ी है, अनुस्वार तो हर वर्ण पे लगता है, तो इसलिए कंग नामे भी लग जाएगा, ऐंठ नामे भी लग जाएगा, हरेक में लगेगा। तो हिंदी में कितने वर्ण हैं यही लोगों को नहीं मालूम, इनको बतलाना पड़ता है हिंदी वालों को नए सिरे से, उसके ऊपर काफी काम हुआ है दिनों में, और भारत सरकार ने किताब निकाली है पूरी मानक हिंदी का मानक स्वरूप, उसमें बताया, पर वो तो कभी और चर्चा करेंगे। मुख्य बात जो थी वो ये थी कि अंग्रेजी में चूंकि रोमन में अक्षर कम है, इसलिए हमारे यहाँ के कई चीजों के लिखने में अंग्रेजी वाले सही नहीं लिख पाते हैं, जैसे ने और ने अंग्रेजी में तो एन से लिखा जाएगा दोनों, तो रावण, तो इसलिए ज्यादातर लोग रावण लिखते हैं, रावण आर ए वी ए एन ए, रावण भी वही है, रावण भी वही है, विभीषण भी वही है, विभीषण भी वही, सब कुछ वही, शे के लिए तो एस एच लिख देते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन शेषन था ना वो जो अपने आपने सुना होगा ना, टी एन शेषन जो सबसे बढ़िया चुनाव आयुक्त पड़ा, सबसे जबरदस्त रहा था, उसके दबदबे के कारण बड़े से बड़े लोग अगर कोई गलत काम चुनाव में कर रहा है तो शेषन उसको मना कर देते, उनका नाम शेषन, शे ताला विषय दूसरा मूर्धन शेषन, अंग्रेजी में लिखा ही नहीं जा सकता, सेशन लिख एस ई एस एच ए एन सेशन सेशन लिखते थे अपने, जैसे शादी हो गई और भाषा शुद्धि शुद्ध बोलो ये सब, इसके बारे इतना परेशान मैं, शे में तो अंतर ही नहीं, शे तो शे हो ही गया है, सारे के सारे उसका इलाज भी नहीं है, ये लाइलाज मर्ज है। लेकिन औरों में तो कम से कम निर्णय में तो सही कर दो, लेकिन नहीं मानते, सारे नाम गलत उच्चारण करें, विभीषण तो विभीषण होता है तो बोलने में भी रामा नाम लग गया, लेकिन जो सचमुच के नाम है उनमें गलत कर लें वो तो घोर आश्चर्य की बात है, उसमें जबरदस्ती अपने मन से कर रहे हैं। जैसे एक पता नहीं आप में ध्यान है कि नहीं, सबसे बड़ा काम भारत में हुआ है इन दिनों में, वो हुआ है कि यहाँ की जो रक्षा मंत्री है वो महिला को बना है, बहुत बड़ी बात है। जो सेना की मालिक, उनका नाम क्या है मालूम है आपको, निर्मला सीता रमण, तो वो बिचारी निर्मला सीता रमण है ही नहीं, क्योंकि मैं भी दक्षिण भारत का हूँ मूलतः, मेरा नाम है देवर्षि कलानाथ शास्त्री, तो देवर्षि से मैं हर बार कहता हूँ कि नारद से कोई लेना देना, देवर्षि नारद के हम वंशज नहीं है। दक्षिण भारत में तेलुगु वाले जो लोग हैं वो अपने गांव का नाम पहले लेते हैं, तो देवरकोंडा से हमारे तो देवर्षि गांव का नाम है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली क्या है
उनकी गांव का नाम है सर्वपल्ली राधा कृष्ण वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, वराहगिरी उनके ग्राम का नाम था, वेंकट गिरी उनका नाम है खुद का। जैसे गुजरात में या महाराष्ट्र में खुद का नाम पहले, पिता का नाम बाद में और सरनेम अंत में आता है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसी इस प्रकार पहले वहां गांव का नाम आता, फिर खुद का नाम आता है। तो ये सब हमको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि कहां कहां क्या होता है। जैसे खुद का नाम, फिर पिता का नाम और सरनेम है तो वो महाराष्ट्र या गुजराती है। तो ये दक्षिण भारत में ये निर्मला सीतारमण बिल्कुल नहीं है, वहां न होता ही नहीं है। अपने होता है राधा रमण, गोपी रमण, ये तो यहीं पर होता है। ये न जाने कब से शुरू हो गया, मैंने उनसे कहा भी, मैंने सब आप सब जगह हिंदी वाले सारे लोग आपको निर्मला सीतारमण लिखते हैं और बोला भी वही जाता है तो आप मना नहीं करते हैं क्या? उनका मैंने तो खूब मना किया, लेकिन अंग्रेजी में देखो आप, अंग्रेजी का जो न्यूज रीडर है वो कई बार सही बोलेगा। मैं वो उनके यहाँ क्या है कि गोपीनाथन मैनन ने हलंत अंत में आता है नाम में, तो वो वेंकट रामन ने है नहीं, रमन शब्द वहां है नहीं, ने अक्षर ही नहीं है उनके यहाँ। तो ये है निर्मला सीतारामन, सीताराम और उसमें ने लगा दिया, गोपीनाथन जगन्नाथन। जैसे पहले एक थे राष्ट्रपति, उनके साथ विचारों के साथ ये होता था, वो थे रामस्वामी वेंकट रामन, तो उसको हर आदमी रामस्वामी रामास्वामी, वो अंग्रेजी में रामस्वामी रामास्वामी ए आ सब बराबर ही होते हैं ना, तो इसलिए रवण भी लिखोगे रावण लिखोगे, आर ए वी ए रवण रावण कुछ भी पढ़ लो इसको, तो इसलिए उनको हर बार रामास्वामी वेंकट रमन वो कहते थे। वो कहते भैया न तो मैं रामा स्वामी हूँ न मैं वेंकट रमन हूँ, दोनों ही नहीं हूँ, अंग्रेजी की वजह से रोमन लिपि ने मुझे बना दिया। तो आप क्या है, रामा स्वामी का मतलब है अपनी पत्नी का पति, तो सबके सभी रामा स्वामी है, जितने लोग हैं वो सब रामा स्वामी है। रामा स्वामी राम है स्वामी जिसका, वो रामा स्वामी, और वेंकट राम और न अंत में वेंकट रामा स्वामी वेंकट रामन। इसी तरह से निर्मला सीतारामन, सीताराम और मैं लगा कि यार वो सीतारमण जाने कहां से हो गए। तो ये सब ये नामों की गलती बड़ी भयंकर हो रही है इसमें। अपने यहाँ तो सबसे ज्यादा सत्यानाथ तो आर्यभट्ट के साथ किया गया, लेकिन और कई नाम, भगीरथ, भागीरथ है या भगीरथ है वो है, ज्यादातर लोग भागीरथ भागीरथी है ना, तो उनका भागीरथ होगा उनका नाम, वो भागीरथ है नहीं बेचारे, वो भगीरथ नाम है उनका। ऐसे सैकड़ों नाम इस तरह के हैं जो अशुद्ध लिखे जा रहे हैं और बड़े बड़े लोग अशुद्ध लिखने लगे। एक का तो सिर ढूंढ लिया मैंने, जो घोर आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ा अखबार जो जो पूज्य है हमारा, जिसका नाम सुनते ही सिर पर रखने की इच्छा होती है, उसने सत्यानाश कर दिया। अपने यहाँ हरिद्वार आप जब जाए यात्रा के लिए हिमालय की, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, तो पहले तो हरिद्वार आएगा, फिर क्या आएगा, ऋषि ऋषिकेश, फिर आएगा उत्तरकाशी, उसके बाद फिर बीच में जाकर के फिर ऊपर इधर तो बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री वो सब आएंगे। तो वो ऋषिकेश को आजकल क्या लिखने लगे हैं, ऋषिकेश, वो ऋषिकेश है ही नहीं, वो ऋषि का केश, तो ऋषि का बाल का लेना देना नहीं है वो ऋषिकेश। मालूम है आपको क्या था वो ऋषिकेश की स्पेलिंग क्या है, यानी लगभग 20-25 साल पहले तक उसका नाम सही लिखा जाता था, री है में हृदय वाला जो है री, और षटकोण वाला शे बड़ा ई, ऋषिकेश वो भगवान का नाम है ऋषिकेश, गीता में सब जगह लिखा गया है ये मुक्ता ऋषिकेश उठा है वो जनार्दन, तो ऋषिकेश भगवान का नाम है, उन्हीं के नाम से हरिद्वार ऋषिकेश उत्तरकाशी ये सब आते थे। अब वो ऋषिकेश हो गया, री में लिखने में मुश्किल हो गई, तो कल्याण जैसी पत्रिका में ऋषिकेश लिखा मिल रहा है। अब उसको कैसे सही करवाएं, अब वो इसको कोई सही करने में हो सकता गलत समझेगी गलत बताने में, इतनी बड़ी बड़ी हर आदमी ऋषिकेश चल रहा है तुम ऋषिकेश बता रहे हो, लेकिन वो सही नहीं है। इस प्रकार के अनेक नाम जो हमारे संस्कृत में कुछ और थे
और इस समय गलत लिखे जा रहे हैं, उनका बहुत आवश्यक है सही करना। तो अगर आपको ये विषय रुचे जब तो इसी पर आगे चल रहे हैं, और कोई जो आप, मैं तो सोच ही रहा था कि चर्चा हो जाएगी उसमें मालूम पड़ जाएगा क्या है। जैसे गीता में एवं उक्त्वा ऋषिकेश, तो वो ऋषिकेश में उसमें कभी भी ऋषिकेश नहीं मिलेगा। गीता के बारे में एक और विषय आज निकला है, पता नहीं वो तो कभी बाद में चर्चा करेंगे, उस पर भी बड़ा। आज राजस्थान पत्रिका में ये निकला है कि गीता जैसी आज है वो मूल पर नहीं थी। आज जो 12 अध्याय है उसमें 18 अध्याय जो है, गीता के 18 अध्याय जो है उसमें वो 18 अध्याय थे नहीं, बहुत कम थे, और अब दूसरे बन गए इस रूप में। वो बेचारे डर के मारे उसने लिखा है कि इसको गीता को, गीता के 728 श्लोक हैं कुल मिला के गीता में, तो उन्होंने उसने लिखा है कि एक बहुत बड़े विद्वान ने ये रिसर्च की है कि गीता में, मूल गीता में इतने नहीं थे, ये बाद में जुड़ते रहे और प्रक्षिप्त होकर के हो गए गीता। ये आज का विषय है, ये भी बहुत अच्छा विषय है, पता नहीं चर्चा आपके यहाँ हो चुकी नहीं। इस पर तो जयपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है, कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जयपुर के एक बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल भार्गव, तो ये तो आज तो बिल्कुल एक नकली सा सतही समाचार छपा हुआ है कि गीता में 18 अध्याय नहीं थे। इसके ऊपर पहले बहुत काम हुआ है, जो एक तो पुस्तक ही निकल चुकी है गीता एज इट वाज, ये तो अंग्रेजी में बहुत बढ़िया निकली हुई है। आर्य समाज वाले भी ये गीता इस तरह के नहीं मानते। आर्य समाज वाले भक्ति के पत्रम पुष्पम फलम तो एवं योग में भक्ति अप्रयच्छति, इसको बाद में जुड़ा हुआ मानते हैं। तो उनका एक अलग से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से गीता की मूल गीता अलग से निकली है, इसके ऊपर इतना काम हुआ है, 2-3 पुस्तकें लिखी गई हैं, ज्यादा लिखी गई होंगी, 2-3 तो हिंदी में लिखी गई हैं कि मूलतः गीता कैसी थी। क्योंकि अब जब दोनों सेनाएं खड़ी हुई है सामने, सब शस्त्र लेकर के खड़े हुए हैं, और ये उसमें है ही कि वो सेने और उभे और मध्य रथम स्थापय में, क्योंकि उसके बीच में खड़े हुए हैं, युद्ध तो हो रहा है, और वहां पर 18 अध्याय इतने ज्यादा, पूरा एक दिन लग जाए, इस तरह का हो सकता है क्या कभी? तो कईयों ने लिखा कि ये तो सही बात है, ये गीता इस समय जो है उतनी मूल तक थी नहीं। कृष्ण भगवान ने उस समय जो सचमुच कहा था वो कुछ संक्षिप्त था, उसके बाद जुड़ा, कब कब क्या क्या जुड़ा, इस पर बहुत काम हुआ है। और कईयों ने उसमें बताया गीता के अधिकांश श्लोक तो वो हैं जो उपनिषद में आए हुए हैं, जो कि क्यों कोटेड है, वो बताया कि कौन कौन से, किस किस उपनिषद के कौन से श्लोक गीता में जो कि क्यों आए हैं, उनका काम हो चुका है। उसके बाद कौन से श्लोक बाद में जोड़े गए उन पे हो चुका है। उस समय भक्ति आंदोलन नहीं था, तो भक्ति का बाद में जुड़ा, तो वो 6 अध्याय बाद में जुड़े। तो एक का तो ये कहना है कि मूलतः गीता में 6 अध्याय थे। कर्म योग है ना, गीता तो कर्म योग का है, तो गीता पर सबसे बढ़िया जो काम किया है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, वो कर्म योग का काम किया है। तो कर्म करो, विरत मत हो, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावहौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। उसमें लिखा है कि संन्यास लेके भागना, डरना, अहिंसा से के चक्कर में शत्रु पर प्रहार नहीं करना, किसने कहा? कर्म कर्म करो, तो युद्धस्व एकत ज्वर है, तो गीता तो ये कह रही है। तो इसलिए वो जो 6 अध्याय मूलतः वे 6 अध्याय के एक पहला सिद्धांत है। उसके बाद ज्ञान के बाद में जुड़े शंकराचार्य के बाद, और भक्ति के और भी बाद में जुड़े। तो इस तरह 6 अध्याय गीता के 18 अध्यायों में से 6 ज्ञान के, 6 कर्म के, 6 भक्ति के हैं। उनमें से भक्ति और कर्म ज्ञान बाद में जुड़े, कर्म मूल तो पहले था। ये बहुत, तो इसके ऊपर ही बहुत अच्छा विषय हो सकता है, पता नहीं आपकी चर्चा हो चुकी है इसमें, कभी किसी से चर्चा हो सकती है, कुछ लोगों ने काम भी किया होगा इसमें अपने यहाँ। तो यहाँ पर इस धरती जयपुर के विद्वान ने बहुत अच्छा काम किया, और अंग्रेजी में किताब जो छपी है वो भी जयपुर के प्रकाशक ने छापी है, हंसा प्रकाशन की है, पता नहीं किसी और की है। बाकी गीता एज इट वॉज बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल भार्गव, तो आज की उसमें जब मैंने ये पढ़ा आज के अखबार में कि गीता का आज का जो पाठ है वो बाद का है, मूल का नहीं है, तो मुझे ध्यान आया कि ये चर्चा का बहुत बढ़िया विषय हो सकता है। दूसरा एक और अखबार में आ जाया, वो भी आपने पढ़ा होगा, वो ये था कि असुर और सुर ये क्या है, असुर अच्छे थे, असुर बुरे नहीं थे, राक्षस बुरे थे असुर, तो उसमें तो ये इस पर भी मधुसूदन ओझा ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा मूलतः शब्द असुर, ये सुर शब्द तो है ही नहीं, सुर शब्द संस्कृत में बनता ही नहीं, असुर शब्द था, असुर से बना है प्राण वाले, असुर के जो असुर नहीं है उनमें ए हटा दिया, वो सुर बना है, तो सुर तो बाद में बना है, सुर से असुर नहीं बना है, असुर से सुर बना है,
ये बहुत अच्छा काम हुआ है इसके ऊपर। तो वो बेचारा जो नकली लोग हैं, वो आजकल अंग्रेजी लोग हैं, वो लिख रहे हैं अंग्रेजी के माध्यम से, उसका हिंदी में आया एक लेखक का बताया कि असुर तो अच्छे होते थे और राक्षस बुरे होते थे, ये उन्होंने बताया। तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस पर भी काम हुआ है। तो ये ऐसे, ये सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर अलग 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 से चर्चा हो सकती है, किंतु अपनी चर्चा में तो जैसा आप लोगों का अभिमत हो उस प्रकार हो सकता है। ये सारी गड़बड़ ये होती यही है कि मूल शब्द जो शुद्ध संस्कृत के हैं, वो संस्कृत वाले तो कम से कम सही बोल रहे हैं। एक अनसूया, अनसूया को लगभग 80% अनुसूया लिखते हैं, अनुसूया। एक बहुत बड़ा लेखक है जो एक दैनिक पत्र में नियमित रूप से लिखता है, उसने संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो उसमें मूलतः उसने अनुसूया लिखा। तब से मुझे इतनी घृणा हो गई, उसका मैं कॉलम नहीं पढ़ता, प्रतिदिन उनका कॉलम आता है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है वो उनका। तो उनको शब्द, जब आपको अनसूया शब्द का ही ज्ञात नहीं है कि वो नाम अनसूया है, तो उसको अनुसूया कहते हैं भ्रांति से। तो इससे कैसे होगा, जैसे ऐसे कुछ शब्द तो खैर ऐसे हैं जिसके ऊपर पूर्ण अभिमत कई आते हैं और निर्णय नहीं हुआ, जैसे वशिष्ठ है या वशिष्ठ है। तो इसमें किसी विद्वान से पूछे आपका वशिष्ठ है या वशिष्ठ है, तो हम तो यही समझते हैं जैसे भाषा शुद्ध होता है, शिक्षा ये बोलते हैं, वैसे ही वशिष्ठ को वशिष्ठ बोलते होंगे, लेकिन मूल शब्द क्या है। तो उसमें तो ये बहुत बाद में शब्दों के की व्युत्पत्ति के आधार पर तय किया कि ये तो दोनों वशिष्ठ बोले वो भी सही है और वशिष्ठ बोले वो भी सही है, किंतु अनसूया को अनुसूया बोले वो सही नहीं है। और के कई के लिए भी यही, के कई कैसे लिखा जाएगा, कई के ई, के कई, कई कई, तीन तरह से लिखते हैं। इसके ऊपर भी बाकायदा इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए कि ये सही नाम क्या है। कई के कई देश की है तो कई कई बनना चाहिए, कई के ई में ए कहां से आ गया। लेकिन कुछ रामायणों में भी कई के ई भी मिलता है और कई कई भी मिलता है। इस पर काफी चर्चा हुई इस प्रकार की चीजों के लिए। लेकिन कुछ लोग तो जैसे भगीरथ है, भगीरथ नाम मूल पे भगीरथ था, अब चूंकि भागीरथी गंगा है तो भागीरथ प्रयत्न, तो भगीरथ प्रयत्न या भागीरथ प्रयत्न होना चाहिए। तो नाम उसका भगीरथ है, वो भगीरथ पथक प्रवृत्त है, तो नाम भगीरथ है, लेकिन भगीरथ का पुत्र है वो भागीरथ होगा, और गंगा का नाम भगीरथ की है इसलिए उसमें आज प्रारंभ में दीर्घ होकर के भागीरथी ये बना है। इसलिए जहां जहां पर कहां पर इस प्रकार का दीर्घ हो जाता है, कहां पर वृद्धि हो जाती है, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो वो भागीरथ, लेकिन उसका नाम तो, जब आप उसका नाम लें जब तो आप भगीरथ ही बोलें, और प्रयत्न में भागीरथ प्रयत्न भी कह सकते हैं, भगीरथ प्रयत्न भी कह सकते हैं। गंगा तो भागीरथी है क्योंकि उसमें आदि वृद्धि होकर के बना है, जैसे जैसे ऋषिकेश बना है उसी प्रकार। किसी तरह से जैनियों में एक बहुत ही गड़बड़ काम होता है, वो मैंने कई बार उनको बताया, उनके यहाँ चंद्रक प्रभु, चंद्रक उनके यहाँ जितने भी प्रभु शब्द जैन दर्शन में है ही नहीं कहीं भी, लेकिन वो चंद्रक प्रभु, सुमन प्रभ, उसमें प्रभ उनके जो तीर्थंकर हैं उनमें से एक चंद्र प्रभ है। कई लोग हैं जो प्रभ माने चंद्र जैसी प्रभा यानी कांति है जिनकी, वो चंद्र प्रभ है, लेकिन उसमें का प्रभ क्या होता है, तो अखबार वालों ने अपनी बुद्धि लगाकर चंद्र प्रभु, सब जगह चंद्र प्रभु, किताबों में भी चंद्र प्रभु, वो 100% रॉन्ग है। उनको खूब समझाया तब जाकर बड़ी मुश्किल से समझ में आया कि साहब ये आपके यहाँ प्रभु शब्द है ही नहीं, प्रभु प्रभुत्व ये बातें उनके यहाँ नहीं, चंद्र प्रभ चंद्र जैसी प्रभा यानी कांति, चंद्र प्रभ उसम प्रभ, और भी दो तीन नाम उनके सारे जितने अनेक तीर्थंकर प्रभ से शुरू समाप्त होते हैं, तो वो प्रभु नहीं उनमें, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन नहीं मानते नहीं। इसी तरह से अपने यहाँ के भी एक स्वामी जी का नाम इसी तरह से गलता में एक गुफा है, वो है अब वो पयोहारी जी की गुफा है। हाँ, अब वो पयोहारी का मतलब होता है दूध को चुराने वाला, तो वो तो कृष्ण भगवान, तो फिर कृष्ण भगवान भी दूध तो माखन चोर थे, वो दूध नहीं चुराते थे वो भी,
लेकिन वो बेचारे उनको पयोहारी कर दिया। और मैंने कहा ये कैसे हुआ, उसका मूल तो है पयोहारी का मतलब पया है हरती थी पयोहारी, तो पयोहारी थोड़ी थे बेचारे, वो केवल दुग्धाहार करते थे, दुग्धाहारी थे। दुग्धाहार जो करते थे उसको वो क्या होता है जैसे पता ही नहीं कि दुग्धाहार करने वाले को कहेंगे पय आहारी, पय का आहार करने वाला पय आहारी। तो उनका जो थे नाम था पूरा उनका स्वामी जी, वो केवल दुग्ध आहार करते थे, अन्न नहीं लेते थे, इसलिए उनको पय आहारी जी कहते थे। पय आहारी में आ हट गया, पय हारी हो गए। तो जब पय हारी हो गए तो संस्कृत पंडितों ने देखा कि पय के बाद तो हारी बनेगा नहीं, पय शब्द है ना तो इसमें पयो हारी बनेगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, डेढ़ सयानापन जो लगाया उसमें उन्होंने उसको पयो हारी कर दिया। उसमें हमारे भी मेरे खुद गुरु एक है, उन्होंने कर दिया। उसके बाद उनको समझा और तुमने अच्छी बता दी और समय ये अब आ गई मेरे समझ, मेरे को गलत ही था ये सारा, गलत शब्द किस प्रकार चल जाता है और बड़े बड़े लोग चला देते हैं। अब उस गुफा में उनको वहां जाके कहो कि पयोहारी की नहीं है, पयहारी ही है, या तो पय आहारी लिखो या पयहारी लिखो, आ हट गया, पयोहारी कैसे बन गया। तो नमो वा की तरह से पय जो है वो विसर्ग अगर होगा तो वो हो जाएगा विसर्ग संधि, इसमें लगाई हो अपनी अक्षर का लगाने की क्या जरूरत थी, पयहारी हो तो वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो टोटल गलत है। इस तरह की एक और भयंकर गलती चल रही है, वो है वो उसको तो कहने में बहुत बुरा लगेगा लेकिन चल रही है, शत प्रतिशत चल रही है। वो ये है कि अगर आप हिमालय की यात्रा में जाएं तो वहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री, ये गंगोत्री क्या चीज है, तो मतलब जहां से गंगा निकली है वो गंगोत्री और जहां से यमुना निकली है वो यमुनोत्री। तो गंगोत्री का मूल शब्द क्या था जिससे गंगोत्री बना, गंगोत्री अभी तो त्रि त्रिकोण वाला त्रि लिखते हैं गंगोत्री, इसका मूल शब्द था क्या था ये लोगों को पता नहीं। और वहां पर गंगोत्री में मैं स्वयं गया तो उन्होंने वहां पर उसकी खुद की तथा कथित पुराण से निकली हुई एक किताब स्तोत्र की निकाल के दी गंगोत्तरी। और मैंने कहा ये क्या हो गया गंगो, पता नहीं किसने अपने अक्कल लगा दी कि गंगोत्तरी, गंगोत्तरी का मतलब गंगा का उत्तर देने वाले हैं, ये कैसे बनेगा गंगोत्री, गंगोत्तरी तो बनता ही नहीं। तो हमने कहा महाराज ये क्या बात हो गई, ये गंगोत्तरी कहां से, अगर पूरा गंगोत्तरी स्तोत्र है वो गंगोत्तरी स्तोत्रम, तो मूल शब्द क्या है वो, गंगा जब उत्तरी थी तो उसका हम क्या कहते थे गंगावतरण, तो वो शब्द मूल शब्द था गंगावतरी, गंगा का अवतरण हुआ है ऊपर ऊपर चढ़ी क्या गंगा, तो गंगावतरी से गंगावतरी, गंगावतरी से गंगोत्री बन गई। अब पंडित जी को बुद्धि तो लगी नहीं, उन्होंने उनको गंगावतरी की बजाय गंगोत्तरी छाप दिया, यमुनोत्री को यमुनोत्तरी छाप दिया, जो शत प्रतिशत गलत है, यमुनावतरण गंगावतरण गंगावतरी। तो मैंने वहां जाके बताया उनको ये बात तो सही है, ये बात जोरदार बताई तुमने, ये बात सही, मैंने कहा बताओ तो अभी कुछ सही कर तो पता नहीं और सही किया है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये अगर सही करोगे तो मेरा नाम लेना, मेरा कॉपीराइट है ये कि ये यमुनावतरी गंगावतरी गंगोत्री का गंगा गंगोत्तरी से कोई लेना देना नहीं, उत्तर दक्षिण का नहीं मामला, न यहाँ पर उत्तर पूर्व का है, न उत्तर प्रश्न और उत्तर का कोई सवाल नहीं, ये गंगावतरण है गंगावतरी यमुनावतरी। तो इस तरह से जो जो शब्द एक शब्द किस प्रकार भ्रांति से गलत लिखा जाता है उसका ये कुछ कुछ नमूने हैं। जो जैसे हनुमान है, हनुमान संस्कृत में हनुमान दूसरे होंगे, हिंदी में हनुमान दूसरे होंगे। संस्कृत में जो हनुमान लिखे जाएंगे उसमें नू दीर्घ होगा हमेशा हनुमान, क्योंकि उसमें एक सूत्र है उसमें हनुमत है, तो वो केवल संस्कृत की बात है ना, तो संस्कृत में हनुमान और हिंदी में हनुमान, हिंदी में तो हनुमान हनुमान हनु, वो मान तो हनु जिसकी है वो हनुमान, तो उनका ये हनु वाली है लेकिन उसमें दीर्घ हो जाएगा हनुमान, तो संस्कृत में वो हनुमान है, हिंदी में संस्कृत में हनुमान है हिंदी में हनुमान। जैसे उपाधियां वितरित की गई, आप में से संस्कृत के जानकर छात्र संस्कृत, तो उपाधियां वितरित की गई, ये जब सुनाई देते हैं तो मेरे कान में ऐसा लगता है किसी ने वितरित बनता ही नहीं है संस्कृत में, क्या बनेगा मालूम है आपको, हाँ वितीर्ण
आपने परीक्षा की, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उत्तरित हुए क्या आप? तो इसी तरह से वितरित न जाने कैसे आ गए आप, सब जगह वितरित। और ये अंग्रेज संस्कृत का जो समाचार आता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको संस्कृत का अभ्यास करना है तो प्रातः काल 6:55 के ऊपर जो समाचार आते हैं आकाशवाणी से संस्कृत में, वार्ता श्रूयंताम, संप्रति वार्ता श्रूयंताम, वार्ता संस्कृत में समाचार को कहते हैं। अपने यहाँ बात बात वार्तालाप, अपने यहाँ तो बात बात कर रहा है तो वार्ता कर रहा है, लेकिन संस्कृत में वार्ता समाचार को कहते हैं, न्यूज। वार्ता प्रवृत्ति वृत्तांत उदंत तथा वह वार्ता प्रवृत्ति वृत्तांत और उदंत, ये चार नाम समाचार के हैं। समाचार शब्द संस्कृत में न्यूज के लिए नहीं आता। अब ये कोई भी कह देते सिर पोंड के, समाचार न्यूज नहीं है। हिंदी में समाचार इज न्यूज इन हिंदी, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में समाचार आचरण, अच्छा सम आचार, सम्यक आचार है आचरण। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में जब सीता का को वापस लेने की बात हो गई, रावण को मार दिया, सीता को बुलाया जा रहा है, तो उनका जी सीता मार रही है, ये पवित्र है नहीं क्या पता, तो उनका नहीं साहब इनके समाचार अच्छे हैं, मतलब आचरण तो सब जगह आया है, अच्छा समाचार इसका आचरण इतना शुद्ध रहा है कि इसको पूछने की बात ही नहीं है, तो वहां समाचार शब्द आया। तो संस्कृत में समाचार है, सम्यक आचार है, वो आचरण के लिए हिंदी में समाचार आ गया तो हमें कोई आपत्ति नहीं। समाचार पत्र खूब बोलो, संस्कृत में भी समाचार पत्र लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन वार्ता भी न्यूज के लिए आता है, तो इसलिए संप्रति वार्ता श्रूयंताम। तो उस वार्ता में भी कई बार इस प्रकार की गलतियां आ जाती हैं जो शोचनीय होती हैं। जैसे अब उसमें हिंदी में जो शब्द हैं उनमें से तो इतने ज्यादा गलत हैं, उनके ऊपर मैं बराबर लिखता भी रहा हूं। जैसे दंपति, दंपति हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, संस्कृत में दंपति ती बड़ी लिखी जाती है, क्योंकि दंपति द्विवचन है। संस्कृत आज की तारीख में एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों हैं। हिंदी में एक वचन बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, द्विवचन कहीं भी नहीं। अरबी में पहले था, अभी हटा दिया बताया, बाकी द्विवचन केवल संस्कृत में है। इसीलिए इतने ज्यादा कठिन संस्कृत इसीलिए है कि हर एक के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सात विभक्ति, साती, इक्कीस और संबोधन 24, हर एक की याद करो कितनी मुश्किल हो जाती है, केवल संस्कृत में है। इसी तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों केवल संस्कृत में है। हिंदी ने हटाया, प्राकृत ने हटा दिए सारे। हिंदी में बड़ी मुश्किल होती है नपुंसकलिंग का क्या लेना देना, जैसे ये ग्रंथ है, अयम ग्रंथ है उत्तम है वर्तते, तो ग्रंथ उत्तम है, इदम पुस्तकम उत्तम वर्त, पुस्तक हो गई नपुंसकलिंग, तो उसको अयम कर दोगे तो सत्यानाश गड़बड़ हो जाएगा। तो हिंदी में तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी वालों ने ग्रंथ को तो पुल्लिंग बना लिया, यह ग्रंथ अच्छा है और यह पुस्तक अच्छी है। उनको संस्कृत में जो नपुंसक है, लिंग है, उसको अब हिंदी वाले करेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही तो है कुल मिलाकर, तो स्त्रीलिंग बना दिया, तो वो अलग बात। लेकिन आपको तो देखना ही पड़ेगा ना कि संस्कृत जब बोल रहे हैं तो पुस्तकम उत्तमम वर्तते और यह पुस्तक अच्छी है, ये हिंदी में अलग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार संस्कृत में दंपति वो बड़ी ही आएगी, दंपति द्विवचन, दंपति गतव, हिंदी वालों ने तो इसका बहुत ही सत्यानाश कर रखा है। कुछ लोगों ने तो दंपति संपत्ति की तरह दंपति कर दिया, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। अब उस दंपति, लेकिन जब द्विवचन नहीं है तो आप बड़ी ही कैसे लिखोगे, इसलिए हिंदी में इसके ऊपर कम से कम 15-20 वर्ष तक खूब अच्छा विवाद हुआ। उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी, नाम सुना होगा, एक बहुत बढ़िया विद्वान थे, उस बेचारे ने एक ऐसा बढ़िया लेख लिखा, वो सब जगह छपा उन दिनों में कह रहा हूँ, पुराने वाले अखबार इस समय आज और सरस्वती ये सब छपते थे। उन्होंने तय किया कि दंपति कैसे लिखा जाएगा, तो भैया ऐसा है कि संस्कृत में तो द्विवचन भी है, एक वचन बहुवचन द्विवचन है, इसी तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों है। तो संस्कृत में जो नपुंसकलिंग है उसको आप या तो स्त्रीलिंग रखोगे पुल्लिंग, इसी प्रकार संस्कृत में जो द्विवचन है उसको या तो एक वचन रखोगे या बहुवचन। तो संस्कृत में जो द्विवचन है उसको हमने हमेशा बहुवचन लिया है, दो हो गए ना, तो बहुवचन ही कुल मिला के।
हम दोनों भी जा रहे हैं और वे सब भी जा रहे हैं, उसके लिए अलग से थोड़ी। तो आवाम गच्छा वह, वयम गच्छा मैं, ये सब अलग अलग लिखते हैं। तो हिंदी में ऐसा करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उनका भी हम और एक जा रहा है, जा रहे हैं, बस दो ही तरह के होते हैं। तो दंपति चूंकि द्विवचन है, इसको बहुवचन मान लिया, लेकिन ई बड़ा नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा दंपति छोटा, और उसको बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। तो जहां ये इसको हमेशा हिंदी में 90% गलत लिखा जा रहा है, तो दंपति जा रहा था वो गलत है, दंपति जा रहे थे वो भी गलत। दंपति लिखा तो जाएगा ई छोटा दंपति, लेकिन उसके साथ बहुवचन लगेगा, दंपति जा रहे थे, यानी दो व्यक्ति जा रहे थे, तो दो को आप बहुवचन में लिखोगे ना, इसी तरह से दंपति लिखोगे ई छोटा, और ये उन्होंने तय किया, निर्धारित ये किया कि ई बड़ा नहीं होकर के दंपति ये होगा, और ये द्विवचन न मान के बहुवचन माना जाएगा, और इसके साथ बहुवचन लगेगा जैसे लगता है। तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में अलग होंगे, हिंदी में अलग होंगे। संस्कृत में विकीर्ण होगा, अब जैसे एक का बहुत बुरी तरह झगड़ा चल रहा है, उसके मारे हम लोग भी बहुत परेशान हैं। आजकल राजनैतिक घटनाएं, राजनैतिक विचार विमर्श सही हो रहा है, वो ज्यादा सही है राजनैतिक या राजनीतिक। तो आप कुछ पत्र पत्रिकाएं राजनीतिक लिख करके अपने आप को सिहाती हैं, बहुत समझ रहे हैं कि राजनीतिक सही है, बिल्कुल अशुद्ध है राजनीति, राजनैतिक। तब जो लोग राजनैतिक नहीं मानते, राजनीतिक लिखते हैं, तो राजनैतिक में उभय पद वृद्धि होती है, संस्कृत में जो होता है ना वैसे होती है राजनैतिक, जैसे आदि भौतिक आदि दैविक। तो मैंने ये कहा कि जो लोग राजनीतिक लिखते हैं उनको आदि भौतिक लिखना चाहिए, क्योंकि वो बाद में तो वृद्धि करने के पक्ष में नहीं है। तो राजनीतिक लिखते हो तो आदि भौतिक आदि दैविक यूं लिखो, क्या मतलब होता है? संस्कृत में ये उभय पद वृद्धि है, राजनैतिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये सारे इस प्रकार के शब्द हैं। तो वो संस्कृत में अगर होगा तो राजनैतिक ही लिखा जाएगा, कभी भी संस्कृत में राजनीतिक कभी भी कोई आप पत्रिका पत्रिकाओं में देखेंगे नहीं, लेकिन हिंदी में भी राजनीतिक अशुद्ध है, राजनैतिक लिखा जाना चाहिए। कई बार मैंने खूब इसको समझाया भी है, मैंने कहा ये इस प्रकार का संस्कृत में जो चीज है उसको हिंदी में आपने बदल दिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये तो बदला भी नहीं जाएगा, ये तो राजनीतिक। जैसे हिंदी में प्रशासनिक कारणों से, पर संस्कृत में ये नहीं है, संस्कृत में क्या लिखेंगे? प्राशासनिकम, संस्कृत में प्राशासनिक, इसीलिए जो संस्कृत की न्यूज आती है उसमें सही कर देते हैं बेचारे प्राशासनिकम। कई शब्द इस प्रकार के हैं, जहां पर उभय पद वृद्धि, जहां पर संस्कृत होगी वहां पर प्राशासनिक लिखा जाएगा। इसी प्रकार कुछ शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हुए हैं, जैसे अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष रहा राजस्थान संस्कृत अकादमी का, तो मेरे लिए लिखा जाता है पूर्व अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये सही है क्या? ये पता नहीं कैसे लिखा, कब से लिखा जाने लगा है मेरे भी समझ में नहीं आया। मूलतः हिंदी में संस्कृत में इसका शब्द था भूतपूर्व, भूतपूर्व शब्द पाणिनि से लेकर अब तक बराबर चला आ रहा था, जो पहले कोई रहा है वो भूतपूर्व, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व स्वामी, भूतपूर्व मंडलेश्वर, हर जगह पर पहले वाला। हिंदी में न जाने उनका जी भूत और पूर्व दोनों एक ही है, कैसे किसने समझ लिया कि ये भूत और पूर्व डबल क्यों कर रहे हो, तो उसको भूत हटा दो, भूत का डर इतना लगा उनको कि वहां से पूर्व पूर्व अध्यक्ष, पूर्व निदेशक, पूर्व मैनेजर, तो बिल्कुल गलत है, भूतपूर्व ही होना चाहिए, लेकिन अब नहीं मानते और उसको लिखने में कहते हैं गलत है, भूत का भूत क्यों लिख रहे हो पूर्व। उसमें ये होता है जैसे मैनेजर, तो मैनेजर का प्रबंधक, पूर्व प्रबंधक, तो वो ये लगता है पूर्व का प्रबंधक ये है, दक्षिण का प्रबंधक और होगा, पूर्व प्रबंधक उत्तर, तो ये भूतपूर्व होना चाहिए सब जगह। एक्स पहले जो रहा उसका भूतपूर्व शब्द होना चाहिए मूलतः, लेकिन पूर्व लिखा जाने लग गया। तो संस्कृत में भूतपूर्व ही लिखेंगे, पूर्व कभी भी नहीं लिखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार एक और शब्द है जो बहुत गलत आ रहा है हिंदी में, किसी ने बिल्कुल नई क्रांति ला दी किसी चीज को, तो उसमें युगांतरकारी,
युगांतरकारी को ज्यादातर आजकल आने लग गया युगांतकारी लिखने लगे कुछ लोग, जो टोटली गलत है। होना चाहिए युगांतरकारी, युगांतकारी अगर लिखा गया है तो वो गलत है। कई इस प्रकार के शब्द हैं, जो अधिक समय हो जाएगा बता दीजिएगा, फिर अगले बार के लिए रख देंगे। कुछ शब्द तो ऐसे बहुत गलत आ गए हैं जिसका इलाज ही नहीं है, जैसे एनआरआई। एनआरआई क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट यानी जो इस समय यहां निवास नहीं कर रहा। एनआरआई नॉन रेजिडेंट के लिए इतने गलत गलत शब्द बने हैं। इसके लिए ज्यादातर 90% बल्कि 99% लिखते हैं अप्रवासी, जो 100% गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अप्रवासी का मतलब है जो कभी भी बाहर नहीं गया हो। उल्टी बात है, जो वो तो प्रवासी है। अपने यहाँ निवास करना, प्रवास करना, प्रवास माने यहाँ से बाहर जाना। तो भारत में रहने वाले तो सब निवासी हैं, और भारत के जितने भी हैं नॉन रेजिडेंट हैं वो सब प्रवासी हैं। प्रवास कर गए उन्हें भारत से, प्रवास पर गए हुए हैं, एक मालूम है प्रवासी। तो प्रवासी पति, प्रवासी व्यक्ति, प्रवासी नागरिक, वो सब प्रवासी होना चाहिए था। लेकिन और यहाँ रहने वाले वो निवासी, और नॉन रेजिडेंट अनिवासी। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई के लिए शब्द बनाया था अनिवासी, और भारत सरकार में ये अप्रवासी है ही नहीं। अप्रवासी का तो बिल्कुल गलत मतलब, उल्टा मतलब निकलता है, लेकिन सब जगह छपता है। खूब गालियां देते हैं उनको कि क्या कर रहे हो आप, अजी ध्यान नहीं रहा अपना, लेकिन नहीं मानते हैं। अप्रवासी लिखते हैं बिल्कुल गलत है। या तो लिखे अनिवासी या लिखे प्रवासी, प्रवास करने वाले हैं वो प्रवासी होते हैं, और निवास करने वाले निवासी, और जो नहीं है वो अनिवासी। लेकिन ये पता ही नहीं आपको, ध्यान ही होगा कि कैसे आ गया ये, इसमें खूब झगड़ा हुआ मैंने, ये अप्रवासी कैसे आया। तो जो जो अखबार वाले अप्रवासी लिखते थे उनसे लड़ाई की मैंने, तब उन्होंने कहा कि वो उसका कारण दूसरा हुआ। इसका कारण क्या है कि अंग्रेजी में 3 शब्द हैं। नॉन रेजिडेंट तो ठीक है, इसके लिए तो अनिवासी बना दिया। अब एक शब्द है माइग्रेंट, माइग्रेट कर दिया वो। तो माइग्रेंट का मतलब है जो यहां से चला गया बाहर, उसके लिए प्रवासी आता था। तो उनका जी माइग्रेंट के लिए प्रवासी आता था, तो हमने ये देखा कि नॉन रेजिडेंट के लिए ए लगा दो, अपने मन से लगा दिया, विपरीत अर्थ हो गया ना प्रवासी। तो माइग्रेंट 3 तरह के होते हैं। माइग्रेंट का मतलब है जो अपने देश में नहीं रहता, तो माइग्रेंट तो एक होता है। दूसरा इमिग्रेंट, आपने पता नहीं सुना कि नाम, इमिग्रेंट मतलब बाहर से आकर यहां रहा, इमिग्रेंट IMM इमिग्रेंट। और दूसरा यहां से बाहर जाकर रहने लग गया एमिग्रेंट। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट ये 2 शब्द हैं, IMM IGRANT इमिग्रेंट मतलब बाहर से आकर यहां, अमेरिका से आकर जयपुर राजस्थान में रहने, भारत में रहने लग गया, वो इमिग्रेंट है। और यहां से बाहर जाके अमेरिका में रह गया, वो एमिग्रेंट है। इन ये दोनों शब्द जब आ गए तो ये इसके ऊपर भाई इनके लिए भी शब्द बनाओ। इमिग्रेंट मतलब अन्यत्र से आकर यहां बसा हुआ, और एमिग्रेंट यहां से जाकर वहां बसा हुआ। तो इनके लिए शब्द बने इमिग्रेंट, बाहर से यहां आ गया तो अप्रवासी, यहां आकर के रहने लग गया अप्रवासी, और यहां से जाकर उच्च प्रवासी, एमिग्रेंट उच्च प्रवासी, इमिग्रेंट अप्रवासी। इन ये अप्रवासी तो कहीं भी नहीं है। तो उनका जी आपने ये जो बनाए ना अलग अलग उच्च प्रवासी और अप्रवासी, इनकी वजह हमने अप्रवासी समझ लिया, उनको भी ये गलत है। तो इतना गलत हो रहा है, अप्रवासी तो 100% गलत है। अनिवासी भारतीय, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, या प्रवासी भारतीय। लेकिन ये आ गया वो, उसका यही कारण है अप्रवासी, उच्च प्रवासी, अप्रवासी, प्रवासी और अनिवासी। इन सबको बड़े ध्यान से, अप्रवासी वो आदमी जो कभी बाहर नहीं जाता, हम सब मैं भी बाहर जा चुका हूँ, जो कभी बाहर नहीं गया वो अप्रवासी। ये सारी गलतियाँ इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं। तो वो ऐसे बहुत शब्द निकले हुए हैं, लेकिन अब इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि ये विषय पता नहीं आपकी रुचि का है या नहीं, क्योंकि आपकी रुचि के अगर शास्त्रीय विषय है तो उन्हीं पर चर्चा करते हैं। क्योंकि महाराज ने कहा था कि भाषा शुद्धि, इस पर भी अपने हमने एक पीठ निकाला हुआ है, इसलिए इस प्रकार के शब्द जो हिंदी में अशुद्ध आ रहे हैं
संस्कृत में उनका क्या रूप होगा, हमारे नाम मूल का क्या है, उन सब पर हमने चर्चा की। और आप ऐसे कई शब्द होंगे उसमें मुझे ध्यान आया, जैसे अनसुया और आर्यभट्ट और ये सब ध्यान आ गया, इसलिए मैंने कहा। किंतु और अनेक ऐसे शब्द होंगे जो इस प्रकार के हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, उनकी वर्तनी स्पेलिंग सही, रूप सही, शब्द सही किए जा सकते हैं। तो ये बेसिक बात है, इसी प्रकार का वो एक अलग विषय, कभी अगर आपकी रुचि है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, पर उसके लिए ब्लैक बोर्ड या वो आवश्यक है। कई बार अपन ये कहते हैं कि हिंदी में हिंदी बहुत अशुद्ध बोली जा रही है, अपन ने तो चर्चा ऐसी की जो शब्द हिंदी और संस्कृत दोनों के हैं, क्योंकि आप सारे संस्कृत के विद्वान हैं, दोनों भाषाओं के शब्द हैं और उनकी वर्तनी या तो गलत लिखी जा रही है या नाम गलत बोला जा रहा है, वो वाले बहुत ज्यादा है, उनको सही करना बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ इस प्रकार के जो केवल हिंदी के शब्द हैं और उनको बहुत गलत बोला जा रहा है और लिखा तो बहुत ही बुरी तरह गलत जा रहा है, उसके लिए भारत सरकार ने पूरी किताब निकाली है, उसमें मेरा भी हाथ है, इसलिए वो कभी बाद में उसकी चर्चा करेंगे। जैसे गिनती है, तो गिनती में गंवार लोग खूब बोलते हैं गुणंतर इकरानवे बान, तो ये इससे आदमी तुरंत गंवार समझ में आता है, गंवार नहीं है, शुद्ध बोल रहा है। उसके लिए गिनती की मानक वर्तनी अलग निकाली हुई है, यानी सही आप जो बोलोगे तो सही है वहां तक तो ठीक है, इकरानवे तो आपको 91 रुपीज चाहिए तो इकरानवे बोलोगे तो सही होगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शुद्ध क्या है ये तो पूछेंगे ना साहब, इसमें क्या कहना, शुद्ध शब्द क्या है 77, इसीलिए आजकल तो बच्चे तो सब अंग्रेज हो गए हैं, वो हिंदी में कोई बोलते ही नहीं है, 69 चाहिए तो 69 को हिंदी में क्या कहते हैं उसको बच्चे को नहीं मालूम, 79 को 89 को क्या कहते हैं, 79 गुणा गुणन्यासी, अपने तो गुणन्यासी है जब क्या बोलते हैं, और 89 नवासी, तो उसमें गुणन्यासी है कि क्या है, वो मूल शब्द क्या है उसके लिए पूरे निकालें, एक से 100 तक निकालें, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। जैसे 6 है तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6 लिख करके और ऊपर 2 मात्रा लगाएंगे या 6 लिख करके 2 बिंदी लगाएंगे, क्या करेंगे, सही क्या है। वैसे तो हर बोलने में तो जो चाहे से बोल दो आप, 6 रुपये मिलेंगे, कुछ उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लिखने में सही क्या है इसके ऊपर खूब झगड़ा हुआ। भारत सरकार ने इसलिए सब बैंकों को हिंदी की मानक वर्तनी सप्लाई की पूरी दी, लगभग 3-4 लाख छापे, बिल्कुल कुल मिला के 1 पेज है छोटा सा, उसमें छाप दिया 1 से लेकर 1000 तक का, इस प्रकार से आप लिख नोट जो आपके आते हैं करेंसी नोट, उसमें भी बिल्कुल सही स्पेलिंग आती है, तो उसमें तो नोट तो 50 का है, 20 का है या 1000 का है, 1000 के में जरूर पहले हजार बोलते थे, 1000 शब्द सही है क्या, 1000 मैं जय में नीचे बिंदी लगनी चाहिए, हजारों लोग आए तो वो तो ठीक है, आप जो बोले माता तो माफ है, लेकिन सही क्या है, झगड़ा हुआ जब 1000 का नोट छपा तब यही हुआ कि इसमें 1000 रुपए लिखे 1000, अब तो 2000 का नोट आ गया, तो 2000 जय नीचे बिंदी वो सब लिखा है, तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1000 तक है, उसमें 6 के लिए भी क्या लिखा जाएगा वो तो बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी तो मैं केवल बताता हूँ, 6 से ही समाप्त कर देता हूँ कि 6 के लिए क्या वास्तव में क्या लिखा जाएगा। ज्यादातर 99% को ये नहीं मालूम है कि 6 की मानक वर्तनी मतलब जो स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग क्या है, आप में से मालूम है किसी को ध्यान होगा, स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग है 6 लोग, वो संस्कृत के आधार पर षट ट, 6 के ऊपर 2 मात्रा भी गलत है, 6 लोग गए और 6 लोग गए, विसर्ग भी नहीं आएगा, 6 लोग गए 6000, ये सब है वो मूल इस प्रकार का लिखा जाए, तो संस्कृत में अलग है हिंदी में अलग है, लेकिन 6 हिंदी वालों ने बनाया, वो संस्कृत के आधार पर बनाया। संस्कृत में ज्यादातर गलत लिखे जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठम, क्योंकि जब पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम सब जगह में है तो षष्ठम में मैं ही लगेगा, वो सही है क्या, शत प्रतिशत गलत है, वो षष्ठ होना चाहिए, वो समझाने में देर लगती है, अभी आप अपने मन से षष्ठ बता रहे हो, पंचम में सप्तम में अष्टम में नवम में दशम में सब में तो मैं और षष्ठम में कैसे नहीं होगा। संस्कृत में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम यो है, तो बहुत देर लगती है। इस प्रकार की भाषा की
शुद्धि का मेरा जीवन भर यही काम रहा है। और ज्यादातर तो समाचार पत्र वाले बुलाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए मीडिया वालों को, इसमें किस प्रकार का उच्चारण किया जाए, किस प्रकार लिखा जाए वो सही बताएं, तो उनको बताना पड़ता है काफी। तो उनका कुछ लोग इससे चिड़े हैं, आजकल तो मैंने जाना बंद कर दिया, मेरे आयु और स्वास्थ्य नींद का साथ इसलिए जाना बंद कर दिया, पहले जाता था। तो उनका जो एक अखबार वाला नहीं है उसको तो बुलाते हो ट्रेनिंग देने के लिए, हम सब अखबार हम किस काम के हैं इसलिए इनको मत बुलाओ। मैंने कहा अच्छा मुझे आना भी नहीं है इस प्रकार से। लेकिन अखबारों में जो भयंकर गलतियाँ आ रही हैं उनमें से कुछ के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कर पाएगा। और ये हिंदी के लिए भी शुद्ध हिंदी क्या होती है ये ध्यान होना आवश्यक है, और शुद्ध संस्कृत क्या होती है ध्यान होना आवश्यक है। और इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक तो चर्चा कर जाए इसके कि मैं भाषण दे दूँ, आप बताएं कोई भी शब्द पूछना है कोई चीज़ हो, ऐसे अनेक शब्द ऐसे होंगे जिनकी वर्तनी यानी स्पेलिंग पर विचार आवश्यक है, उच्चारण पर विचार आवश्यक है। उच्चारण तो फिर बहुत गलत हो गया, उसको जवाब उसका तो इलाज ही नहीं, वो एक अलग विषय है। उच्चारण में जैसे ये राजस्थान में शे और शे बोला, इस सब जगह से बोला जाएगा, उनकी शादी हो गई, वो भाषा शुद्ध बोलो विश्वविद्यालय, ये शे के मारे आपा के सही से सब जगह से बोलता है। किंतु उच्चारण में ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जिनके उच्चारण अशुद्ध हो रहे हैं, और स्तरीय उच्चारण के लिए शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो उसकी कभी अलग चर्चा करेंगे, डेढ़ घंटा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया। कोई प्रश्न हो तो वो आप करें चर्चा बाद में, या और कोई सुझाव हो या क्या करना है तो आप बताएं।